दिल्ली में फिर हुई दरिंदगी, फिर एक नाबालिग बनी हैवानियत का शिकार। 13 साल की मासूम की असमत से दिल्ली में फिर हुआ खिलवाड़। दिल्ली में दरिंदे कहां से आ गए? जी हां, दिल्ली में दरिंदे घूम रहे हैं, ऐसे दरिंदे जिनकी नजर आपकी मासूम बच्चियों पर है। हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर का है, जहां शशि गार्डन में रहने वाली 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। नाबालिग सातवीं में पढ़ती है। यह घटना उस समय हुई जब लड़की घर का सामान खरीदने पास की दुकान में गई थी। तभी हवस के पुजारी उस दरिंदे ने लड़की को अपने घर में खींच लिया और उसके साथ वो किया जो कोई हैवान वहशी ही कर सकता है। हैरानी इस बात की है कि दुष्कर्म करने वाला भी नाबालिग ही है। लड़की जब बाहर निकली तो उसकी हालत खराब देख आसपास के लोगों ने उसके घर वालों को बुलाया। बच्ची ने माँ बाप को सारी आपबीती सुनाई। पूरा मामला पांडव नगर थाने पहुंचा और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया है, जिसमें डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि कर दी है। बयान और मेडिकल के बाद आरोपी नाबालिग पर पुलिस ने धारा 376, 506, 4 पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी लड़के को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये मामला पांडव नगर थाने पहुंचता है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने पॉस्को और तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 13 साल की मासूम सातवीं में पढ़ती है, लेकिन दुष्कर्म की इस घटना ने मासूम को अंदर तक झक छोड़ दिया है। आरोपी तो सलाखों के पीछे है, लेकिन इस मासूम का क्या, जिसके अपने सपने इतनी छोटी सी उम्र में बिखर गए। दिल्ली में रेप के बढ़ते मामले कब थमेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न दिल्ली के मुखिया केजरीवाल के पास है और न ही दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस मुखिया बीएस पस्सी के पास, जो आपस में ही दिल्ली को संवारने को लेकर झगड़ते रहते हैं और इस आपसी झगड़े की बलि ऐसे मासूम बनते हैं। जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।